हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डबर्ग एंड जॉन सीना की मेगा अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, मेरे पास बहुत बढ़िया एक्सप्लोसिव न्यूज है जो सुनकर आप एकदम शॉक हो जाएंगे। क्या हमें गोल्डबर्ग एंड रायबैक की मैच देखने मिलने वाली है और क्या रिटायर हो रहे हैं जॉन सीना, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ। दोस्तों, WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू स्टॉम्पिंग ग्राउंड होने वाला है June 23 को इन टैकोमा वॉशिंगटन। और इस पेपर व्यू के लिए WWE ने एक और मैच ऐड कर दिया है। 205 लाइव में एक नंबर वन कंटेंडर के लिए मैच हुई टू डिटरमाइन कि कौन फेस करेगा टोनी नीसे को फॉर इस चैंपियनशिप। इन दी एंड दोस्तों, ड्रू गुल्लक एंड अकीरा तोजावा ने मैच जीता और अब क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए मैच होगा वो होगा टोनी नीसे वर्सेस तोजावा वर्सेस ड्रू गुल्लक। दोस्तों, देखा जाए तो स्टॉम्पिंग ग्राउंड इवेंट के लिए ऑलमोस्ट सारे मैचेस फिक्स हो चुके हैं। तो फिर हमें देखना होगा कि बाकी के कौन से मैचेस होते हैं फिक्स इन द कमिंग टाइम और कैसा होता है ये न्यू पेपर व्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में। दोस्तों, सुपर शोडाउन के मैच के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे अंडरटेकर के हेल्थ के लिए। और जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि अंडरटेकर प्रोबेबली ठीक होंगे, तो दोस्तों उसका और एक प्रूफ निकल आया है कि अंडरटेकर पूरी तरह से ठीक है। अंडरटेकर नायग्रा फॉल्स कॉमिक कॉन में आए थे 2 दिन बाद आफ्टर सुपर शोडाउन। तो इस कॉमिक कॉन इवेंट में वो काफ़ी फिट, हेल्दी एंड हैप्पी लग रहे थे। अंडरटेकर काफ़ी सारे फैंस से मिले और उनसे बात भी की और ऑटोग्राफ भी साइन किए एंड इवन पिक्स भी ली। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि कब होता है अंडरटेकर का नेक्स्ट रिटर्न। चलिए अब बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। दोस्तों, गोल्डबर्ग का इतना अच्छा मैच नहीं हुआ सुपर शोडाउन में जैसा होना चाहिए था एंड देन उन्होंने खुद को इंजर्ड भी कर दिया था। बट अब सभी वेट कर रहे हैं गोल्डबर्ग के नेक्स्ट मैच के लिए। फॉर्मर WWE सुपरस्टार रायबैक ने एक पोस्ट डाला है ऑन इस इंस्टाग्राम जो ये कहता है कि रायबैक इज इंटरेस्टेड इन डूइंग द मैच विद गोल्डबर्ग। एंड उन्होंने कैप्शन में भी लिखा है कि हु विंस। जब दोस्तों रायबैक WWE में थे तब उनका अपीयरेंस गोल्डबर्ग के जैसा ही था और उनके मैच के दौरान भी क्राउड गोल्डबर्ग के नाम से चैंट करते थे। एंड सिंस तब से गोल्डबर्ग वर्सेस रायबैक की एक मैच ड्रीम मैच बन गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं हुई। अब जब रायबैक इंटरेस्टेड है गोल्डबर्ग से मैच करने के लिए तो ये मैच काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, पर उसके लिए रायबैक को फर्स्ट आना पड़ेगा WWE में। तो फिर हमें देखना होगा कि रायबैक कब आते हैं WWE में। नेक्स्ट बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। दोस्तों, जॉन सीना काफ़ी ज़्यादा बिजी है इन इस मूवी स्केड्यूल। रिसेंटली उन्हें रोल दिया गया है फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज के लिए। रिसेंटली हुए TMZ के इंटरव्यू में जॉन सीना से पूछा गया अबाउट गोल्डबर्ग एंड अंडरटेकर्स मैच और ये भी पूछा गया कि क्या अब इन्हें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। तभी जॉन सीना ने कहा कि ये डिसीजन उनका अपना है, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता टू रिटायर। और इसे मैं ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकता हूँ और यही रिटायरमेंट वाला कन्वर्जेशन मैं खुद से भी करता रहता हूँ इंस्टेड ऑफ बीइंग ओनली 42 ईयर्स ओल्ड। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये हर एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है ये डिसीजन लेना, जब उन्हें स्टॉप करना है वो स्टॉप हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था कहना जॉन सीना का और यहाँ पर उन्होंने उनकी रिटायरमेंट वाली बात भी हिंट की है। बट आई गेस दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि WWE को स्टिल ज़रूरत है जॉन सीना की और अभी जॉन सीना इतने भी ओल्ड नहीं हुए हैं टू रिटायर। तो फिर दोस्तों, हमें देखना होगा कि नेक्स्ट जॉन सीना हमें कब रिटर्न करते हुए दिखने मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो और मुझे कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ों के बारे में बताइए। फर्स्ट, आप कितने एक्साइटेड हुए गोल्डबर्ग वर्सेस रायबैक के मैच की न्यूज़ सुनकर एंड सेकंड, आपका क्या रिएक्शन है जॉन सीना के इस स्टेटमेंट का। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।